देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मोदी सरकार घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीते 6 सालों में ये पहली बार होगा जब चीनी के निर्यात पर नियंत्रण लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस सीजन के चीनी निर्यात के लिए 80 लाख टन की सीमा भी निर्धारित की जा सकती है। वहीं आपको बता दें, रॉयटर्स ने सरकार और इंडस्ट्रीज से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। सरकार जल्द घोषणा करेगी, इसको लेकर सरकार जल्द घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर अगले महीने की शुरुआत में सरकार कुछ घोषणा करेगी। इस खबर के आने के बाद आपको बता दें, कारोबारी सत्र में शेयर मार्केट में चीनी कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं जिसके अंतर्गत बलरामपुर चीनी मिल्स और धामपुर चीनी मिल्स 5% तक टूट गया। इसके अलावा द्वारिकेश चीनी मिल्स 6% टूटा। वहीं आपको बता दें, खबरों के मुताबिक इस वक्त चीनी का उत्पादन अपने सर्वोच्च स्तर पर है, लेकिन लगातार हो रहे निर्यात की वजह से चीनी का जो भंडारण है लगातार कम हो रहा है। यही वजह है कि चीनी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसा भी जा रहा है कि अगले हालात ऐसे भी रह सकते हैं कि देश में चीनी की कमी हो सकती है, जिससे त्यौहार सीजन में चीनी की कीमतों में आसमान छू सकती है। सूत्रों ने कहा कि यही वजह है कि सरकार चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुट गई है। खबरों की माने तो इस पेराई सीजन में सरकार चीनी निर्यात पर शुल्क भी लगा सकती है। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए लेवी लगाने पर भी विचार कर सकती है। हालांकि अभी तक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस खबर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि चीनी एक्सपोर्ट के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश है। ऐसे में सरकार के इस फैसले का असर बस भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बाकी देश पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।